श्री लक्ष्मी नारायण जगत के जो माता पिता है उनके सन्मुख बैठकर हमारी वाणी को पवित्र करने का सुअवसर जो मिला है और यहाँ सिद्ध पुरुषों का जो दर्शन हो रहा है वो इस अनुग्रह हैं, गुरु की कृपा है। जहाँ भारतवर्ष एक समय में या तो जातिवाद में, प्रांतवाद में या धर्म के नाते से टूट पड़ रहा था, उसी समय भगवान सदाशिव के अंश रूप में आद्य गुरु जगत ये शंकराचार्य महाराज का जो प्रागट्य हुआ, भारत के चार कोने को उन्होंने एकत्रित कर पंचदेव की स्थापना जिन्होंने भारतवर्ष में पुनः लाई और अपनी अल्प आयु में अपनी लीला को समेट कर उनके तेज, उनकी शक्ति, उनका बल, उनका ज्ञान, उनकी भक्ति, इनकी परंपरा की गादी पर जो बैठने वाले हैं उनके स्वरूप में उन्होंने प्रस्थापित किए, जो आज हमारे शंकराचार्य महाराज स्वामी जी जो विराजमान हैं, इनमें हमने आद्य गुरु शंकराचार्य महाराज का ही दर्शन होता है। उनके चरणारविंद में भी हमारा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। यहाँ साधु संतों महापुरुषों का जो दर्शन हो रहा है, परमात्मा जब कृपा करते हैं ना तो वो संपत्ति नहीं, संतों का दर्शन करवाते हैं। संपत्ति से तुम पुण्य कमा सकते हो, स्वभाव नहीं सुधरता है। स्वभाव महापुरुषों के दर्शन से और महापुरुषों की संगति से ही होता है। तो इन महापुरुषों का दर्शन कर हम कृतकृत्य हुए हैं, उनके चरणों में भी हमारा कोटि कोटि वंदन है। सुबेर का समय था, भगवान सूर्यनारायण अभी उदय होने की तैयारी, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, करीब करीब 3:15 बजे का समय होगा। एक पागल, एक उल्टा सोपान ढोलक लेकर किसी की कोठी के सामने आकर ढंढेरा पीटने लगा। उस कोठी में से कोई प्रकाश नहीं था, खिड़कियां बंद थी, न कोई प्रकाश बाहर आ रहा था, न कोई सड़क का प्रकाश इनके अंदर जा रहा था। कोठी में कोई सो रहे थे या नहीं सो रहे थे वो भी तय करना मुश्किल था। एकदम अंधेरा छाया था। संजोग से कोई एक सज्जन आदमी वहां से निकला और वो पागल बाबा को ढोल को पीटते पीटते देखकर उन्होंने कहा, बाबा क्या कर रहे हो, क्या पागल हो गए हो क्या? अभी तो सूरज उगा नहीं, भोर भयो नहीं, ब्रह्म मुहूर्त हुआ नहीं और तुम शोर मचा रहे हो, और वो भी कोई गृहस्थी के कोठी के सामने। ये क्या राज है, हमें कोई समझ में नहीं आ रहा है। वो महात्मा ने कहा कि हे श्रीमान, यदि आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं दो शब्द सुनाऊं। बोले कहो। बोले हम साधु महात्माओं इस संसार में सिर्फ इसलिए आते हैं कि जिसकी कोठी में घोर अंधेरा हो। इसका अर्थ यह होता है कि या तो अंदर रहने वाला गाढ़ निंद्रा में सो रहा है, एकदम भरपूर नींद में सो रहा है, या तो अंदर कोई है ही नहीं। और प्रकाश अंदर नहीं है इसका मतलब यह है कि अंधेरा तो है ही। महापुरुषों का जन्म बोले सिर्फ इसलिए होता है, जो सोए हुए लोग हैं एक तो उनको जगाना और जहां अंधकार है वहां प्रकाश करना, हमारा और कोई काम नहीं है। बाकी बाबा अभी तो सूरज उगा नहीं, ब्रह्म मुहूर्त तो होने दीजिए, आकाश में तो चांद सितारे अभी तक है,
बोले जब जागना हो वो सूरज उग जाए उसी के बाद तुम जागो तो समय बीत गया, तुम्हारे हाथ में से काल निकल गयो। भगवान शंकराचार्य महाराज ने भी कहा है कालो जगत भक्षक, ये सारा जगत का भक्षण ये कालदेव करता है। जागो जागो लोगो मत करो नींद से प्यार, सपनों जैसो रहन है भैया वैसो है परिवार। हम स्थूल रूप में सो रहे हैं या जाग रहे हैं ये कहना कठिन है, बाकी जब तक ये संसार हमको मीठा लग रहा है, इसका भोग में हमें आकर्षण है, निश्चित समय आप मान लीजिए आप सो रहे हो। जब तक जगत के प्रति अरुचि नहीं होगी तब तक जगदीश के प्रति रुचि प्रकट नहीं होती। विषयानंदी व्यक्ति को भजनानंद में आनंद नहीं आता, दो किश्ती में आप पैर नहीं रख सकते, या तो तुम ये किनारे हो जाओ या तुम ये किनारे हो जाओ। भोगासक्ति तन को बिगाड़ती हैं और द्रव्यासक्ति मन को बिगाड़ती हैं। वो बाबा ने कहा जब जागना है तो सूरज उग जाए इसके बाद मत जागो, सूरज के उगने से पहले तुम पूरा फायदा उठा लो। तुम्हारी जिंदगी जिस समय से प्रारंभ हुई है उसी समय, महापुरुष तो कहते हैं कि सर्वप्रथम तो मनुष्य देह प्राप्त करना कठिन है, मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद साधु बनना कठिन है, साधु बनने के बाद देव का अनुग्रह प्राप्त करना कठिन है, और इससे भी कठिन मुमुक्षत्व का जन्म प्रकट होना कठिन है। मुमुक्षत्व तो तब प्रकट होगा जब विवेक से विचार से तुम्हारे मन में वैराग्य आए। तो जगत का कोई अंत नहीं है, जितनी लहर समुद्र की इतनी मन की दौड़। कबीरा कहता है कि जितनी समुद्र लहर की इतनी मन की दौड़, सहज हीरा उपजे जब मन आवे थोर। विचार से विवेक से आप स्वयं वैराग्य को जन्म नहीं करोगे तो संसार का तो कोई अंत, समसरति इति तो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। परमात्मा ने कृपा कर हमको आज महापुरुषों की संगति दी है। हमारे यमुनाष्टक में ऐसा कहा गया है कि भाई तेरा स्वभाव को तू सुधार। देखो इस जगत में जो घटना घटती है ना वो अच्छी है ना वो बुरी है, अच्छा बुरा ये तुम्हारे मन की कल्पना है। इंसान घटना से दुखित नहीं होता, इंसान घटना को कैसे दर्शन करता है इससे वो दुखी है। महाप्रभु जी ने कहा है नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि है तू मुदा, मुरारी पद पंकज स्फुरत मंदरेणूत्कटां, तटस्थनवकानन प्रकट मोद पुष्पांबुना, सुरासुर सुपूजित। प्रथम श्लोक से लेकर आठवें श्लोक में अंत में फलश्रुति जब देनी थी, देखो महापुरुषों के शब्द कभी झूठे नहीं होते, महात्मा जो बोलते हैं वैसा ही होता है। आशीर्वाद देना होता तो हमको मोटर गाड़ी बंगला वैभव संसार का सुख बहुत कुछ दे सकते थे, बाकी नहीं। स्वभाव विजयो भवे वदति वल्लभ श्री हरे। सत्संग में महापुरुष के संगति में बैठने के बाद स्वभाव सुधरता है, और यदि स्वभाव सुधर गया तो संसार सुधर गया, तो ये जीवन बोझा नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय को हम देखें तो अर्जुन विषाद योग,
ये रो रहा है, क्योंकि अर्जुन को दाई ने जब उन्होंने देखा तो खाई देखी और बाई ने जब देखा तो कुआं देखा, अब जाए कहां। जीवन बोझारूप है अर्जुन के लिए, इसीलिए तो उन्होंने सब छोड़कर भिक्षा का पात्र लेकर मैं दर-दर का भिखारी हो जाऊं, भगवान ने मना कर दी। अर्जुन, स्थान को नहीं बदलना, स्थिति को बदलना है। तुम कहां हो, कैसे हो, कब तक हो, यह महत्व की बात नहीं है, तुम्हारी मानस कैसा है। श्रीमद् भागवत हो, रामायण हो, पुराणों हो, वेद उपनिषद हो, महापुरुषों के पवित्र विचारों हो, इससे हमारे मन में बदलाव आता है। और ये सुधर गया तो सारी दुनिया सुधर गई मेरे भाई, और ये ठीक नहीं है तो अमृत भी जहर हो सकता है, और नहीं तो जहर मेरा भाई के लिए मन अनुकूल था तो वो जहर जो था वो चरणामृत हो गया, आपके लिए भी हो सकता है। जीवन बोझा नहीं है, जीवन एक संगीत है, एक कविता है, एक आनंद है, भारी नहीं है, हल्का है, जो हम जीना सीख ले तो। 7 दिन भागवत तो आप सब लोगों ने सुनी है भाई, मैं कौन भागवत सुनाने वाला है, सब जानते हैं भले, अच्छे अच्छे महापुरुषों हमको भागवत सुनाते हैं, मैं भी कभी कभी उनके चरणों में बैठकर मैं भी सुनता हूँ। बाकी 7 दिनों में कुछ कुछ हमारे गोस्वामी जी ने मंगलाचरण में क्वचिदन्य तो उपी शब्द का प्रयोग किया है, इहान पक्ष पात कछुराखो वेद पुराण संत मत भाको। संत मत का अर्थ होता है जो स्वयं अपने जीवन में अनुभूत हुई है, एक्सपीरियंस जिसको कहा जाता है। तो महाराज ठाकुर की कृपा से, महापुरुषों के आशीर्वाद से हमको भी 23 साल हो गया है। 23 साल में हमने सारी दुनिया देखी है, बहुत कुछ देखा है, चढ़ाव भी देखा है, उतार भी देखा है। महाभारत ने मेरे को सिखाया है, सब दिन हो तो न एक समान। यह अनुभूत जो है वो आपके साथ बांटूंगा, और बुद्ध पुरुष वही है जो दूसरे की गलती से अपनी को सुधार ले। हमारी गलतियां हो या हमारी अनुभूत हो, इससे आपको कुछ न कुछ इसमें जरूर मिलेगा। कलयुग में परमात्मा ने अपने स्वरूप को छुपाया है और अपने नाम को प्रकट किया है। परमात्मा का स्वरूप सबके लिए सुलभ नहीं है, तो ये श्रीमद् भागवत जो है वो परमात्मा का वांग्मय स्वरूप है, ये सबके लिए है। भक्ति और भगवान के ऊपर किसी की मोनोपोली या कॉपीराइट नहीं है, सबका अधिकार है, भक्ति का अधिकार सबको है। हम तो वहां तक भी कह देते हैं भागवत का, जहां तक मेरा दर्शन है, पशुओं को भी अधिकार है। वेणुगीत में तो हिरणियां आई हैं, मोर आया है, गैया आई हैं, बछड़े आए हैं, ये सब ने, चिड़ियाओं ने तो प्रणवालोकन किए, आंखों से परमात्मा की पूजा करी, आंखों से पूजा कर रही है। हिरणी के पास न हाथ है, न नैवेद्य है, न पूजा की कोई सामग्री है, तो क्या परमात्मा ने इनके ऊपर कृपा नहीं करी क्या? सबके ऊपर कृपा है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये तमाम जीव मेरा ही अंश है। परमात्मा को समदर्शिनी बताया है, परमात्मा समदृष्टि रखते हैं, वो किसी के ऊपर भेदभाव नहीं है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। हे भामिनी, ये धन, ये बल, ये गुण, ये चतुराई, ये जाति, ये पाति, ये ऊंच, ये नीच, ये मैं कुछ नहीं देखता हूं। मानहु एक भक्ति करना था मैं केवल, भक्ति माने प्रेम है, भाव है, भक्ति माने भाव, आप में भाव है तो प्रभु तुम्हारो है। वेदांतियों का ब्रह्म किसी का नहीं है, वो अनुग्रह भी नहीं करता, वो निग्रह भी नहीं करता, वेदांतियों का ब्रह्म केवल साक्षी है। बाकी वो सगुण ब्रह्म बनकर जब आता है और जो कोई कहे कि कृष्ण मेरो, राम मेरो, तो वो उसी का बन जाता है, बाकी वो किसी का नहीं है।
आप भी कहो कि मेरो तो वो तुम्हारा है। प्रभु का स्वरूप सबके लिए नहीं है, बाकी उनका नाम परमात्मा ने कलयुग में नाम प्रकट किया है, ये प्रभु का स्वरूप है। स्थावराम हिमालय यज्ञनाम जाप यज्ञोस्मि, हे अर्जुन ये नाम जो है वो मेरा स्वरूप है। और कलयुग में जीव चाहे कीट हो, पतंग हो, पशु पक्षी, मानव देव कोई भी हो, देहधारी कोई भी हो, वो तीन पीड़ाओं से पीड़ित है, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। पाप ताप संताप इसको परेशान करता है, कभी तन का दुख, कभी मन का दुख, कभी समाज का दुख, ये पीड़ा से हर एक जीव पीड़ित है, कोई नहीं बचे। उसी समय हमारी गोपियों ने कह दिया, तव कथामृतम् ताप्त जीवनम् कवि विरीडितम् कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। ए भगवान, आपकी कथा, कथा का अर्थ कहानी नहीं है, वो कथा संस्कृत शब्द है, का ईश्वर वाचक है, और था जो है वो स्थिरता का प्रतीक है, जिसके जरिए आपका मन ईश्वर तत्व में स्थिर हो जाए उसको कथा कहते हैं। कथा का अर्थ कहानी नहीं है, हम कोई कहानी कहने वाले नहीं है, हम कोई बाबा नहीं है, गलत अर्थ मत देखियो। कथा का अर्थ होता है जैसे भी कैसे भी, योग मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, भक्ति मार्ग से, कर्म मार्ग से, जिस तरह से आपका मन स्थिर हो जाए उसको कथा ही कहते, और क्या। और स्थिर परमात्मा में ही होने वाला है, संसार के शुल्लक चीज में कहीं भी जगह पर आपका मन स्थिर हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। इसका कारण यह है, मन और ये जगत ये विरोधाभास है दोनों, वो विजाती है, वो सजाती नहीं है। आपका मन और परमात्मा ये दोनों सजाती है, इसीलिए वो वहां स्थिर होगा। आप तपेली में थोड़ा दूध चूल्हे के ऊपर चढ़ाओ, उसको गर्म करो और दो चार पत्थर इसमें मिला दो और खूब हिलाओ, दूध को उफाने लाओ, चूल्हे से नीचे उतारो, ठंडा होने दीजिए, छन्नी में जब छानोगे तो पत्थर पत्थर, दूध दूध, ये कभी एक दोनों मिल ही नहीं सकते। बाकी पत्थर की जगह पर आपने यदि शक्कर मिलाई, चीनी मिलाई, तो वो घुल जाती इसमें, क्योंकि शक्कर और दूध दोनों सजाती है, पत्थर और दूध विजाती है। आपका मन और ये जगत वो विजाती है, इसीलिए कहीं जगह पर वो स्थिर रह ही नहीं सकता। अर्जुन के यही सवाल था, हे भगवान, चंचल ही मन कृष्णो प्रमाथी बलवद्रणम, महाराज मेरा मन कहीं स्थिर रह ही नहीं सकता। भगवान ने कहा, कैसे रह सकता है भला, देख लो, आपका मन जब सचमुच दिल से आप जब भजन करते हो ना, तो जगत की विस्मृति हो जाती है, जगत की, सचमुच जो मन भजन में लग गया, प्रभु की यादी में आपका मन लग गया, तो आप अपनी फर्ज भूल जाओगे, आसपास की दुनिया भूल जाओगे, दुनियादारी भूल जाओगे, दुकान को भूल जाओगे, मकान को भूल जाओगे, परिवार को भूल जाओगे, विस्मृति हो जाती, भजन में विस्मृति होती है, और विस्मृति का अर्थ होता है सुख, स्मृति का अर्थ होता है दुख। आप याद करते हो इसलिए दुखी हो, भजन में और कुछ नहीं होता, दुख का नाश कदापि हो ही नहीं सकता। दुख भी भोग है और सुख भी भोग है, भोग उसी को कहते हैं जिसको भोगना ही पड़ता है, बाकी भजन में विस्मृति हो जाती है, देख लो। हाँ?
तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। बिसरावे का अर्थ भूल जाना है महाराज। गोस्वामी जी ने यह शब्द नहीं लिखा कि जन्म जन्म के दुख नष्ट हो जावे। कविता की दृष्टि से विद्वान लोगों ने स्वीकार भी कर लिया होता नष्ट शब्द लिखा होता तो, बाकी गोस्वामी जी समझते हैं कि दुख का विनाश नहीं हो सकता, दुख की विस्मृति हो सकती है। भला ये भजन, ये सत्संग, ये कीर्तन, ये महापुरुषों को वचनामृत जब हम सुनते हैं ना, 3 घंटे 4 घंटे इतने समय 2 घटना घटती हैं। एक तो दुनियादारी, तुम्हारा दुख पाप ताप संताप ये तुम भूल गए, और सबसे बड़ी बात यह है जब तक यहां बैठे हो, मुझे किसी पत्रकार ने पूछा भी था कि भाई आप लोग ये 4-4 घंटे वहां व्यासगादी पर बैठकर तुम्हें क्या मिला, ये दुनिया तो सुधरी नहीं, समाज थोड़ा ना सुधर गया, कितने अंगुली माल हो गए, कितने कितने महापुरुष हो गए, कितने डकैती छोड़कर सब साधु बन गए। हमने कहा भाई हम समाज सुधारक नहीं है, समाज को सुधारना परमात्मा का काम है, हमारा काम नहीं है। जगत का दायित्व जीव का नहीं है, जगदीश का है। तो बोले तो फिर तुम लोग क्यों करते हो। हम और कुछ नहीं जानते मेरे भाई, दुनिया सुधरे न सुधरे, एक चीज समझता हूं, जब तक 4 घंटा यहां बैठा हूं ना, कम से कम 4 घंटे 24 घंटे में से हमसे पाप तो नहीं होता, और पाप नहीं करना वही पुण्य होता है महाराज। बाकी यहां उतरने के बाद मैं नहीं जानता हूं मेरी खोपड़ी में क्या क्या आता है। जो महापुरुष हो जाते हैं, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हो जाते हैं, शायद उनके मन में पाप नहीं आता। बाकी महाराज हमारे बारे में तो हम तो साफ कह देते हैं, ओ मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जहां सत्संग वहां अति आलसी जैसे सूकर गामी। महाराज मेरे जैसे कोई कामी, मेरे जैसे कोई पापी इस जगत में पैदा ही नहीं हुआ, हम तो साफ कह देते महाराज। 4 घंटे जब तक यहां बैठा है कम से कम इतना तो नहीं हुआ, किसी को अपशब्द नहीं कहा, किसी का उच्छेद नहीं किया, किसी का अपमान नहीं किया। पुण्य तो हम कर नहीं सकते, पुण्य क्या है मैं नहीं जानता हूं महाराज, वो तो बड़े बड़े लोग पुण्य करते हैं। हमारे जैसे क्षुद्र जीव का पुण्य करने वाले हम का समझते इसमें। तुम 4 घंटे यहां बैठो इतना। हमारे राजस्थान में एक महापुरुष हो गए जिसका नाम था पीपा महाराज। पीपा महाराज ने यह कहा कि पीपा पाप न कियो तो पुण्य कियो सो बार, पाप नहीं करना वही 100 पुण्य बराबर होता है। आओ श्रीमद् भागवत के बारे में तो हम का बतावे भाई। मैं इसका श्री गणेश करूं, इनसे पहले महापुरुषों का आदेश है, भारतवर्ष की परंपरा है, हमारा पूर्वजों की रीत है कि प्रथम देव जिसको याद करना चाहिए उनका आह्वान करे। वैसे तो यहाँ सर्वभद्र मंडल तमाम देवताओं हाजिर हैं, नवग्रह की स्थापन करी है सब, बाकी एक परंपरा है। गण के नायक रिद्धि सिद्धि के स्वामी भगवान शिव पार्वती के प्यारे पुत्र सुरदास जी का पद है, आप लोग जानते ही होंगे, मैं भी गाऊं, आप मेरे साथ गाइए। हम गणपति महाराज से प्रार्थना करें कि प्रभु आप यहाँ इस यज्ञ मंडप में पधारे, ये भी ज्ञान यज्ञ होता है, हो और हमारी मनोकामना पूर्ण करो। देखो यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, तुंडे तुंडे मत भिड़ना, किसी को मुक्ति चाहिए, किसी को भुक्ति चाहिए, किसी को वैकुंठ चाहिए। हे गणपति महाराज जिसकी जो भावना हो वो पूरी कर दो आप, और हमें सद्बुद्धि दो, हमें विवेक दो, हमें समझ दो, ये प्रार्थना हम करें। और इनके लिए सिंहासन हमने जो बनाया है, प्रभु आप विराजे, रिद्धि सिद्धि को साथ में लाइए, मैं भी गाऊं, आप भी मेरे साथ। सुरदास जी का पद है, गणपति महाराज का आह्वान करें हम। जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश।